नीमच नगर पालिका और जिला फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा नीमच के दशहरा मैदान में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले भर की जानी मानी टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में कई नो काउंट डाउन हो चुके हैं। क्वार्टर फाइनल मैच का आयोजन गुरुवार को हुआ, जिसमें दो टीमों ने भाग लिया। इसके बाद शुक्रवार को भी दो क्वार्टर फाइनल मैच होंगे, शनिवार को सेमीफाइनल मैच होंगे। नीमच जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के कारण पूर्व में अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई थी, मगर अंत समय अनुमति मिलने के बाद फुटबॉल प्रेमी काफी खुश हैं। उधर फुटबॉल मैच को देखने अब दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। नीमच शहर फुटबॉल प्रेमियों का शहर है, यहाँ से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर निकलते हैं जिन्होंने देश भर में नीमच का नाम रोशन किया है। गणतंत्र दिवस फुटबॉल प्रतियोगिता के आज दो क्वार्टर फाइनल मैच होने थे, जिसमें पहला मैच संपन्न हो चुका है, जो संघर्षपूर्ण मुकाबले में टाई ब्रेकर के बाद सडन डेथ में वाल्टोली फुटबॉल क्लब की टीम ने फ्रेंड्स क्लब को हराया। और जो भी आप देख रहे हैं, ये द्वितीय प्री क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है यंग स्टार फुटबॉल क्लब और हीरोज फुटबॉल क्लब के मध्य। अभी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल होना बाकी हैं और बहुत ही अच्छे सुचारू तरीके से पूरी प्रतियोगिता चल रही है। जैसा कि इससे पहले मैच में भी आपने देखा कि पेनल्टी के टाइम पूरा ग्राउंड खाली था और पुलिस प्रशासन की सख्ती और दर्शकों के सहयोग से ये सब संभव हो सका। विजेता टीम को सुसज्जित ट्रॉफी और प्रत्येक खिलाड़ी और रेफरीज को इनामों से नवाजा जाएगा। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इस प्रतियोगिता में कुल 17 टीमें भाग ले रही हैं और इस प्रतियोगिता का 26 जनवरी को दोपहर 3 बजे फाइनल मैच खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए नगर पालिका की तरफ से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। जिला प्रशासन, विधायक महोदय और आम जनता का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।